विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू कोर्ट्स, कॉरपोरेशन और ए पर्सन डायरेक्टिंग देम टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी। कहने का मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिट अदालतों को निगम या उनके सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित करने वाले व्यक्ति को जारी की जाती है? तो ये हमने पढ़ा है कि रिट जो होती है आर्टिकल 32 में इसके बारे में डिस्कस, इसके बारे में लिखा गया है। तो कौन सी रिट है जो इसके जारी की जाती है, तो वो है मैंडामस। ठीक है, हमने देखा था कि आर्टिकल 32 में इसके बारे में लिखा गया है, आर्टिकल 32, ठीक है, और 226, ठीक है, ये जो है आर्टिकल, इसके अंदर पांच होती है रिटें, होती है पांच रिट, और इसमें एक है ये मैंडामस। ठीक है, ये हमने पढ़ा है इसके बारे में, इसमें ये रिट जारी की जाती है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि निगम या उनके सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित करने वाले व्यक्ति को जारी की जाती है, वो है मैंडामस। ये इशू किसके द्वारा की जाती है, इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, इन दोनों में। ठीक है, ये जो है इशू की जाती है दोनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विधान परिषद अधिकतम डैश अवधि के लिए धन बिल के अधिनियम में देरी कर सकती है। तो कितने दिन की देरी कर सकती है विधान परिषद, 14 दिन के लिए। ठीक है, अगर कोई धन विधेयक बिल आया हुआ है उसको विधान परिषद जो है 14 दिन तक ओनली अपने पास रख सकती है, उसमें देरी कर सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह राज्य कौन सा है जिसके पास राज्यसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या है? ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, वो है राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सीटें जो है अधिकतम सीटें जो है, सबसे ज़्यादा सीटें जो है किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में डैश से संबंधित पहला संशोधन 1951 में किया गया था, वह कौन सा था? तो कौन सा होगा, देखिए क्वेश्चन आंसर होगा इसमें सी, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट, कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण। ठीक है, संविधान में इसके बारे में 1951 में पहला संशोधन हुआ था, वो था राज्यों में कृषि सुधार। ठीक है, ये संशोधन हुआ था, ये करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के तहत कितनी आपातकालीन स्थितियों पर विचार किया गया है? तो आंसर इज तीन, भारतीय संविधान के तहत तीन आपातकालीन स्थितियों पर विचार किया गया है, जिसमें जो कौन कौन सी होती है तीन, वह हम देख लेते हैं। पहली जो है इसका नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, इसका जिक्र आर्टिकल, भारत के संविधान आर्टिकल में 352 में जिक्र किया गया है। दो नंबर पे आती है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, राज्य की इमरजेंसी जो लगती है वो होती है 356 में, आर्टिकल 356। तीन नंबर पे होती है फाइनेंशियल यानी कि वित्त इमरजेंसी जो होती है 360 में। ये जो तीन इमरजेंसी जो है इसके बारे में, तीन इमरजेंसी के बारे में जिक्र किया गया है, जो आर्टिकल हमने देख लिया 352, 356 और 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार शक्तियों का अर्थ होता है, इसका आंसर होगा हमारा सी, यह कानून या तथ्य के प्रश्नों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है जिसका सार्वजनिक महत्व होता है। जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसमें सलाहकार की शक्तियों का मतलब होता है कि वह राष्ट्रपति को सलाह देता है, और उसका मतलब जो होता है वो सार्वजनिक महत्व होता है। ठीक है, और इसके बारे में जो जिक्र किया गया वो है आर्टिकल 143 में, इसका जिक्र किया गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तब तक कार्य करते हैं जब तक कि वे डैश उम्र तक नहीं पहुंच जाते। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 ईयर्स तक वर्क कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं जब, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है उसमें इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 100
124 से लेके 147 तक इसके बारे में लिखा गया है भारत के संविधान में, आर्टिकल अनुच्छेद 124 से 147, जिसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जजेज होते हैं, जिसमें एक जो होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बाकी के 30 होते हैं जज, ठीक है, जिसमें बात करें। और जो अभी वर्तमान में की बात करें चीफ जस्टिस की, वो है हमारे रंजन गोगोई, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का तात्पर्य है कि भारतीय नागरिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कि वह भारतीय नागरिक यानी कि जो, इसका आंसर होगा सी, यानी कि अपनी पसंद के धर्म का मूल्यांकन अभ्यास या प्रसार करने की आज़ादी होती है। तो इसके बारे में जो लिखा गया है वो है कि अपनी पसंद के धर्म को वो अपना सकता है, अभ्यास कर सकता है और प्रसार कर सकता है। इसका जो बेसिकली बात करें आर्टिकल जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 में इसके बारे में लिखा गया है, जिसका जो है फंडामेंटल राइट्स, इसका आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो संविधान के धर्म की स्वतंत्रता दी गई है उसमें क्या क्या कर सकता है, तो वो क्या करता है अपनी पसंद के धर्म का मूल्यांकन कर सकता है, ये इसके बारे में लिखा गया है। और ये जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। राष्ट्रपति को कार्यालय शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को कार्यालय की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसकी शपथ दिलाई जाती है। और इसका आर्टिकल जो है 60 में इसका बारे में लिखा गया है, देख लेते हैं। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की के द्वारा इसमें दी जाती है, और प्रेजेंट की बात करें तो रंजन गोगोई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड इसका जो आर्टिकल है बात करें आर्टिकल की तो वो है 60, यानी कि राष्ट्रपति जो है शपथ जो दिलाता है उसमें 60 में इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अनुचित ढंग से सूचीबद्ध की गई है, तो रोंगली लिस्टेड की कौन सी गलत तरीके से की गई, तो वो है सी, यह राज्य का राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये है ढंग से सूचीबद्ध की गई वो बात है, वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 63 है उसके अंदर इसके बारे में बात की गई है 63 में, और जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान की बात करूँ उपराष्ट्रपति की तो वो है वेंकैया नायडू, ठीक है। ये थी आज